हेलो दोस्तों, आपका स्वागत और इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। आज मैं आपके लिए हम खजूर का हलवा जो चने की दाल के साथ बनती है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पे देखिए, हमको खजूर लगे हैं 250 ग्राम, हमने बड़ी वाली सॉफ्ट ले लिया है। आप छोटी वाली खजूर भी ले सकते हैं, तब भी ये बड़ा ही बढ़िया ही बनता है। और यहाँ पे देखिए, पिस्ता हमको लगे हैं 25 ग्राम, साथ ही साथ बादाम और काजू भी लगे हैं 25-25 ग्राम। यहाँ पे देखिए, दूध है, ये दूध हमको 500 ml यानी कि आधा लीटर लिया, हमने पहले से बॉयल करके रखा है। और ये देखिए, हमने ब्राउन शुगर का पाउडर ये है, मतलब आप यहाँ पे शक्कर भी ले सकते हैं 50 ग्राम। अगर शक्कर या ब्राउन शुगर जो भी आप लेते हैं उसको पीस के लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 50 ग्राम ये लगेगी। तो आगे बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे देखिए, हमको 1 टीस्पून इलायची पाउडर लगेगा। और जैसे मैं आपको बता रहा था, बादाम और काजू आप 25-25 ग्राम ले सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं रेसिपीज आपके लिए लाता हूँ, इसमें बहुत एफर्ट लगता है इसमें एडिटिंग के लिए। और तो अगर आपको कुछ भी सजेशंस आपके या कमेंट्स, आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएगा सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स, जो भी आपके कमेंट है। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिले तब भी बता सकते हैं। ये देखिए, चने की दाल हमको लगी है यहाँ पे 100 ग्राम, हमने 2 घंटे पानी में भिगो के रखी है चने की दाल। तो ये हुए हमारे इंग्रेडिएंट्स। जैसे मैं आपको बता रहा था, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे बेल आइकन पर टैप कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि ये जो घंटी का आइकन होता है ये आप टैप ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट सभी रेसिपीज़ जब मैं अपलोड करता हूँ उसकी आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। दोस्तों, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएगा सजेशंस या इम्प्रूवमेंट जो भी हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक पतीला गरम कर लिया और जो दूध को हम यहाँ पे डालेंगे इसमें, और साथ ही साथ जो हमारे चने हैं जो हमने 2 घंटे भिगो के रखे हैं, वो अब इसमें डालेंगे और उसको गलाएंगे। यहाँ पे जो चने की दाल है, चने की दाल हमने यूज़ की है यहाँ पे 100 ग्राम, तो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको 10 मिनट तक घुमाते हुए उसको पकाना है, ताकि हमको ये पूरा गलाना है चने की दाल को इस दूध में, उसके बाद हम उसको पीस लेंगे। तो अब बेसिकली अब हम इसमें दूध में डाल के इसको चने की दाल को पकाएंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ हमने एक मिक्सर जार में हमने जो खजूर है उसके बीज निकाल लिए हैं, पूरा साफ़ कर लिया है, और थोड़ा सा दूध डालेंगे और उसको बारीक पेस्ट बना लेंगे मिक्सर जार में। तो मिक्सर में हम उसको पेस्ट बना लेंगे बारीक, और अलग रख लेंगे इसका पेस्ट। यहाँ पे देखिए, हमारे चने की दाल और दूध का जो हमने पका लिया था, ये पूरा सूख एब्जॉर्ब कर चुका है, ये बिल्कुल ही तैयार है। अब हम इसको और एक मिक्सर जार में डालेंगे इस पूरे मिक्सर को, और इसको भी हम बारीक पीस लेंगे, इसको भी ग्राइंड कर लेंगे इस पूरे मिक्सर को, और उसको अलग रख लेंगे। तो उसे दूसरी तरफ हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे, और उसमें पैन में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून घी डालेंगे हम यहाँ पे, यानी कि क्लेरिफाइड बटर जो होता है, हमें 4 टेबलस्पून घी डालना है इसमें। दोस्तों, ये हलवे में घी ज़्यादा लगता ही है। ये देखिए, ये हमारा चने दाल का पेस्ट है जो हमने ग्राइंड कर लिया था, अब हम इसमें डालेंगे और इसको हम सुखाएंगे, इसको ड्राई करेंगे पूरा 2 से 3 मिनट तक। हम इसको पूरी आँच पे, पूरी से कम थोड़ा मीडियम फ्लेम पे हम उसको, देखिए यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब हम, जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे घी और 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। यहाँ पे हमको टोटल 100 ग्राम घी लगता है इसमें, क्योंकि ये हलवा है तो ये टेस्टी भी बनता है। यहाँ पे हमने डाल दिया है घी, और उसको हम पूरा सुखा लेंगे, घुमाते हुए पकाते जाएंगे। और जब वो सूख जाएगा तब हम उसमें जो डेट्स का पेस्ट है, जो खजूर का पेस्ट हमने बना लिया था, यहाँ पे देखिए ये हमने इसमें ऐड करना है अभी इसको, और उसको 10 मिनट तक हम उसको आगे पकाएंगे। लेकिन जब तक, अभी हम फिलहाल इसको मिक्स कर लेंगे, हमको एंड में 10 मिनट पकाना है। हमने खजूर का पेस्ट मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से, और इसमें हम डालेंगे जो ब्राउन शुगर का पाउडर है, अगर आप शक्कर लेते हैं तो शक्कर का पाउडर डालिए अभी, और साथ ही साथ इलायची पाउडर डालिएगा। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसी के बाद हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, हमारे सभी ड्राई फ्रूट जो है हमारे, वो इसमें ऐड करेंगे, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए 10 मिनट तक पूरी आँच पर घुमाते हुए पकाना है आपको। आप घुमाते रहिएगा ताकि ये नीचे लगे नहीं तल में, और 10 मिनट तक आपको मीडियम फ्लेम पे घुमाते हुए इसको पकाना है। तो हमारा हलवा बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। यहाँ हमने देखिए ड्राई फ्रूट डाल दिया है सब कुछ यहाँ पे। अब हम उसको मिक्स कर लेंगे पूरा, और 10 मिनट तक पूरी आँच पे घुमाते हुए पका लेंगे। आप धीमी आँच या थोड़ा मीडियम भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा हलवा बिल्कुल ही तैयार है, इसको अब हम परोसेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, लेफ्ट में एक सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, और राइट में आपको दिख रहा होगा सिंपल एक खजूर का हलवा और एक रेसिपी है, वो भी चेक कीजिएगा, और नीचे उसके खजूर की पूरी है। तो ये हमारा खजूर का हलवा बिल्कुल ही तैयार है।